प्रियंका कदर जिंदाबाद 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 प्रियंका कदर जिंदाबाद 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 प्रियंका कदर जिंदाबाद 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 गुलिया खाप की जय गुलिया खाप की जय जंगीरपुर गांव की जय। ऐतिहासिक सम्मान समारोह का समापन हो गया है और आज जहांगीरपुर गांव के इस पवित्र धरा से तमाम जो भारत के युवा उदयमान खिलाड़ी हैं वो एक प्रेरणा लेकर के गए हैं और वो प्रेरणा मिली है भारत देश की एक ऐसी बेटी प्रियंका काद्यान उर्फ धोली से, जिसने संघर्ष को अपना हथियार बनाया और सफलता के इस मुकाम पर वो पहुंची है। जी हां दोस्तों, 2010 में यह शुरुआत की गई थी, कई उतार चढ़ाव के बाद आज भारत की इस बेटी को पूरा देश आशीर्वाद देने जहांगीरपुर गांव में उमड़ पड़ा। जी हां दोस्तों, अंकित काद्यान जी जो इनके जीवन साथी है वो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर के उन्होंने इनका सहयोग किया और शादी के बाद इनको खेलने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए अंकित और पूरे परिवार ने प्रेरित किया और उसका परिणाम ये है कि आज भारत देश की इस बेटी पर सारा भारत देश गर्व कर रहा है। स्वर्णिम सफलता है, बड़ा यह इवेंट था एशियाई खेलों का जिसमें गोल्ड मेडल मिला है। आज सुबह से हालांकि थके हुए हैं लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि अंकित जी अपने हृदय से दो शब्द कहें इस ऐतिहासिक भव्य और सफल सम्मान समारोह के लिए। अंकित जी जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा जो आप गुलिया खाप ने और आप सब लोगों ने इधर पहुँच के आशीर्वाद देने का काम किया, उसके लिए जी बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, और प्रियंका जी आपकी भी मैं एक संक्षिप्त सी टिप्पणी चाहूँगा, इतना बड़ा भव्य मान सम्मान और हजारों लड़कियाँ इन जैसी हमारी बेटियाँ आपसे प्रेरणा लेंगी, खेलों में आगे बढ़ेंगी, वो आपको अपना आदर्श मानती हैं। कबड्डी जैसे खेल में जो हमारा हरियाणा की माटी का खेल है, आपने संघर्ष की और आज आप सफलता के मुकाम पर हैं। इस पूरे सम्मान समारोह के लेकर के दो शब्द। सबसे पहले तो मैं इतना मान सम्मान दिया, जितने भी मेरे को आशीर्वाद देने आए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, इतने मेरे को मान सम्मान मिला है, धन्यवाद धन्यवाद जी। दो शब्द उन लड़कियों के लिए भी जो धोली बनना चाहते हैं, सफलता कैसे पाई जा सकती है, क्या ऐसा गुरु मंत्र है आपके पास या क्या कहना चाहेंगे अपने अनुभव के आधार पर? देखो मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग जितनी भी लड़कियाँ खेल रही आगे बढ़ो, मेरे से जितनी सपोर्ट होगी मैं उतनी करूँगी आपके लिए, जितना मतलब मैंने चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से किया है उतना ही मैं अभी झज्जर से लगाव कर रही हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी जितना सपोर्ट होगी झज्जर और चरखी दादरी के लिए मैं उतना करूँगी। बिल्कुल मनराज भाई, आप भी एक शिक्षण संस्थान का संचालन करते हैं, आज गुड़िया खाप ने इतिहास रच दिया है। जी संजय भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करेंगे कि आप कई दिनों से इस प्रोग्राम को आप अपने मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर रहे हैं और हमारे लिए आज बड़े गर्व का दिन है, क्योंकि सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा मैं इनके परिवार को, प्रियंका के परिवार को, कि इन्होंने जो विश्वास दे करके विश्वास के साथ इनको आगे बढ़ने की अनुमति दी और देश और हमारी गुड़िया खाप ने जो विश्वास इन पर जताया वो आज प्रियंका काद्यान ने पूरा कर दिया है, और वो भी दूसरे देश की सरजमी पे जाकर तिरंगा लहराने का जो काम किया है हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जब हम वो नज़ारा देखते हैं टीवी में भी, जब हमने ये नज़ारा देखा तो हमारा गर्व से हमारे रोंगटे खड़े हो गए, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा प्रियंका का कि इन्होंने देश का मान सम्मान रखा है, पूरे देश आज यहाँ पर इनको सम्मान देने के लिए ये सम्मान समारोह में आज उपस्थित हुए हैं और पूरे परिवार को, नंबरदार परिवार को बड़े बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतनी कठिन मेहनत के साथ साथ इनका साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया है।